नंदनी थाना क्षेत्र स्थित बोडे गांव खेत में एक अज्ञात युवक की लाश मिली है। लाश 3 से 4 दिन पुरानी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बोडे गांव के खेत में किसी व्यक्ति की लाश पड़ी होने की सूचना पर आईपीएस प्रभात कुमार नंदनी द्वारा स्टाफ और एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट के साथ मौके पर पहुंचा गया। उनके साथ फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर मोहन पटेल और डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। मृतक के कमर पर किसी धारदार हथियार से हमला करने का निशान और खून के दाग मिले हैं। चोट के निशान और मौके पर नजर आ रहे परिदृश्य से पुलिस हत्या की आशंका जताते हुए जांच में जुट गई है। थाना क्षेत्र के बोड़ेगांव गांव के बगल में खेत में एक बाड़ी के बगल में एक अज्ञात शव मिला है। प्राइमा फेसी देखकर लग रहा है कि कम से कम 3-4 दिन पुराना शव है। 3-4 दिनों पहले घटना हुई होगी। तो जहाँ पर शव पड़ा है उससे लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक जगह 3-4 लोगों के शराब पीने के निशान हैं, कुछ शराब के बोतलों के ढक्कन मिले हैं, कुछ पानी के पाउच मिले हैं और यहाँ खून का निशान है। तो संभावना है कि इसमें कोई फाउल प्ले है, उस पर हम विवेचना कर रहे हैं। बॉडी पे कपड़े नहीं है, कपड़े भी उतारे गए हैं बॉडी से और कपड़े उतार कर लगभग बॉडी से 100 मीटर दूर पीछे में वहाँ पे कपड़ों को एक साथ रखा गया है, फेंका गया है। चप्पल भी अलग अलग जगह पे मिला है। तो ये जो प्राइमा फेसी या फिर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास ये फैक्ट्स हैं, मर्ग कायम करके और उसके बाद फिर मर्ग के बेसिस पे आगे अपराध कायम करके इस पर जाँच की जाएगी, पीएम कराया जाएगा। पीएम से जो डिटेल निकल के आएगा उसके ऊपर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ में ये जो बगल में बाड़ी है यहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है, आसपास के शराब दुकानों के भी सीसीटीवी के फुटेज हम लेंगे और उसके बाद फिर उसमें पहचान करने की कोशिश करेंगे कि कौन लोग पिछले 3-4 दिनों में शराब खरीदे हैं, सेम कपड़े पहने हैं। तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, बाकी फैक्ट्स हम बताएंगे। हमने सारे थानों को सूचना दी है कि कोई अज्ञात कोई गुमशुदा व्यक्ति जिस पिछले 3-4 दिनों में या फिर 1 हफ्ते में दर्ज हुआ तो उसकी खबर करें।